हे गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है सभी लोगों के। एक वीडियो जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी, पुल्ड ऑफ ईटिंग बनाओ श्रेडिंग का, क्योंकि श्रेडिंग में जो अभी मेरे को रिजल्ट आ रहे हैं, जैसा कि मैं अभी मसल मेनिया अमेरिका के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और अभी मेरा कट चल रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ अपनी सारी मील्स जो अभी कट के दौरान ले रहा हूँ मैं, और वो क्या क्या होने वाली है, कितनी क्वांटिटी है, कैसे कैसे लेना होता है और कैसे बनाना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मेरी नज़र में पता है, मुझे लगता है कि कट करना बल्क से आसान होता है। मैं यहाँ पे था बल्क पे पिछले साल और मैं वहाँ से यहाँ पर केवल 2.5 से 3 महीने के अंदर आ गया था। इस बार भी मैं बल्क पे काफ़ी ज़्यादा बल्क कर गया था और मैं थोड़ा सा मोटा लगने लगा था, लेकिन यूँ चुटकी के अंदर मैं 1.5 महीने के अंदर इस शेप में हूँ। तो ऑब्वियसली आप ईजिली कट कर सकते हो, बस आपको अपनी डाइट को मैनेज करना होता है, आपके कार्डियो को अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है, आपका वर्कआउट सही रखना होता है, कंसिस्टेंट रहना होता है और आपको डिसिप्लिन रहना होता है जो आप डाइट ले रहे हो, जो वर्कआउट ले रहे हो उसके साथ में। आज मैं आपको वो सारी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो अभी मैंने मील्स प्रिपेयर कर लिए और इनको पैक करके मैं क्लास लेके जा रहा हूँ, और जब जब मैं मील लेना स्टार्ट करूँगा वहाँ वहाँ पर आपको हर एक मील के बारे में बताऊँगा। तो मॉर्निंग में वर्कआउट से पहले 100 mg कैफीन और एक सर्विंग एल कार्नेटाइन की लेने के बाद मैं अपना कार्डियो कंप्लीट करता हूँ, और कार्डियो कंप्लीट करने के बाद में क्लास के बाद फर्स्ट मील मेरी ये रहती है 6 eggs, जिसमें से 3 whole egg रहते हैं और उसके साथ में 3 egg whites रहते हैं। तो केवल ये मील रहती है मेरी फर्स्ट। जब मैं बल्क पे था तो थोड़े से ओट्स भी एडिड थे, बट अभी केवल ये एग वाइट्स और साथ में 3 whole egg रहते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट मील होने वाली है। तो अभी क्लास ख़त्म हो चुकी है और यहाँ से सीधा जिम जाएंगे, और जिम जाने से पहले अपनी प्री वर्कआउट मील ले लेता हूँ मैं। तो ये फुल डे ऑफ ईटिंग थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए ही है क्योंकि मैं घूमते फिरते मील लेता हूँ। पुरानी फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो या फिर पुराने टाइम पे जब प्रेप भी करता था, जो नॉर्मली अपनी डाइट मेंटेन करता था ना, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था कि मैं घर पर ही रहता था, तो किचन में सारी मील्स बनाता था, बट अभी ऐसे बना के पैक करके लाना होता है प्रॉपर। तो ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि जो लोग ऑफिस गोइंग है, सब चीज़ें करते हैं, तो आप लोग भी बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हो यार। मतलब मैं सुबह 3 times की मील मैनेज कर लेता हूँ, फिर यहाँ से जाते हैं। शिट, मैंने चम्मच बिगाड़ दी, इसमें डाल दिया। ठीक है, ये 40 grams ओट्स हैं जो कि मैंने मिल्क में बनाए हैं। थोड़ा सा मिल्क डाला, उसमें ओट्स डाले, और उनको डालने के बाद मैं ओवन में रखा 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में वो थोड़े से उबल जाते हैं, गीले से हो जाते हैं। उसके बाद मैं 1 चम्मच पीनट बटर डाला। 1 चम्मच पीनट बटर डालने के बाद वो हेल्दी फैट्स भी हो जाते हैं, थोड़ा सा और चॉकलेटी हो जाता है। एंड उसके बाद में 1 scoop मैंने बायोजैम PR डाला है, बायोजैम परफॉर्मेंस वे का, जो PR वे है। तो इसमें बायोजैम परफॉर्मेंस वे PR डाला हुआ है। PR से मतलब यहाँ पे पर्सनल रिकॉर्ड्स है। इसकी हर एक सर्विंग में आपको 30 grams ऑफ प्रोटीन मिलता है, और उसी के साथ में इसमें 3 grams क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और उसके साथ में 50 mg एस्ट्रोजन है। तो 30 grams प्रोटीन पर सर्विंग आपको हेल्प करता है आपके मसल बिल्ड करने के लिए। उसी के साथ में इसमें 3 grams क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है वो आपको हेल्प करता है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में, आपके ATPs बढ़ाता है, आप और ज़्यादा रैप और अच्छे स्ट्रेंथ के साथ में परफॉर्म कर पाते हो। इसी के साथ में जो एस्ट्रोजन है, इसमें एस्ट्रोजन आपको हेल्प करता है आपके जो गट है ना, का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इससे एक परफेक्ट प्री वर्कआउट मील बन जाती है, ओट्स पीनट बटर, उसी के साथ में 1 scoop वे प्रोटीन डालकर। मैं वे प्रोटीन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और याद है ना कि आप muscleblaze.com से XYZ कोई भी सप्लीमेंट खरीद रहे हैं, हमेशा अपने भाई का कोड आनंद30 का यूज करके बहुत अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं और साथ में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब ये मील को फिनिश करते हैं। डन विथ वर्कआउट गाइस, काफ़ी अच्छा लगा यार। बैक ट्रेन करके मुझे रिजल्ट दिख रहे थे, बैक आप भी देखोगे ना तो फ़र्क समझ में आ रहा है कट पे। और वर्कआउट के तुरंत बाद सबसे पहली चीज़ जो मैं लेता हूँ, दैट इज़ माय वे प्रोटीन पानी के साथ में। इसमें 1.5 scoop वे प्रोटीन है, 1.5 scoop
और वो एक चम्मच डालने के बाद थोड़ा सा और डाल देते हैं ना, तो वो 1.5 चम्मच ही हो जाता है। और इसके साथ में मैंने 5 ग्राम ग्लूटामिन और 5 ग्राम क्रिएटिन भी ऐड करके रखा हुआ है। ग्लूटामिन आपको हेल्प करता है आपकी रिकवरी के लिए, मसल सोरनेस हो जाती है ना तो वो उसको जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है। और उसके साथ में क्रिएटिन हेल्प करता है आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप में, ATPs बढ़ाने में। 5 ग्राम ग्लूटामिन 5 ग्राम क्रिएटिन वे प्रोटीन के साथ में ही डाल के पानी के साथ पी लेता हूँ, क्योंकि क्रिएटिन और ग्लूटामिन मैं अलग से लेना भूल जाता हूँ कई बार, तो प्रोटीन के साथ डालो सॉर्टेड रहती है लाइफ। अब इसके बाद मैं सीधे आपसे 4th meal पे मिलता हूँ। तो यहाँ पर मेरी 4th meal आ चुकी है, जहाँ पर मेरे पास में 200 ग्राम राइस हैं, 180 ग्राम चिकन ब्रेस्ट और उसके साथ में वेजीज हैं, ब्रोकली भी है इसके अंदर। तो ये मेरी 4th meal होती है। और 4th meal में या तो मैं घर पे ले लेता हूँ, अगर घर पे जाने में टाइम हो रहा होता है या फिर इधर उधर होता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ आसपास की कैफ़े पे जिनसे मैंने बात करके रखी हुई, जो जो ऑप्शन मेरे पास है वहाँ पे मैं बनवा लेता हूँ। तो मील का टाइमिंग आगे पीछे नहीं होता, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा वो मैटर करता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी मील में जो गैप रख रहा हूँ ना, वो 2.5 से 3 घंटे का रखता हूँ, और उस बीच में मील ले लूँ कैसे भी करके। तो ऐसा लगता है मुझे कि 3 की जगह 4 घंटे या 5 घंटे हो सकते हैं, तो फिर मैं रास्ते में कहीं पर मील ले लेता हूँ अपना बनवा के, लेस मसाला ऑयल कम और जो ऑलिव ऑयल में बनता है वो सारा चीज़ें करवा लेता हूँ। एंड ये मील मेरे दिन भर की सबसे फेवरेट मील होती है, क्योंकि इसमें मुझे राइस मिलते हैं। पहली मील है जिसमें मुझे राइस मिल रहा है दिन भर की, 4th meal। हमारी दिन की 5th meal फॉर कटिंग, फॉर श्रेडिंग, फॉर फैट लॉस, वॉट एवर यू कैन से। जिसके साथ में मेरे पास में 180 ग्राम चिकन ब्रेस्ट है, जो कि मशरूम सॉस में है और उसके साथ ब्लैक पेपर में है। इसके साथ में कुछ वेजीज हैं मेरे पास में, और साथ में 10 ग्राम आलमंड्स है। ये मेरी 5th meal होने वाली है। आप चिकन को अपने हिसाब से कुक कर सकते हैं, मैं वेराइटी इसलिए रख लेता हूँ क्योंकि एवरी डे इतना सारा चिकन खाना होता है ना, तो जिस वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा भी कर लेता हूँ। कुछ टाइम के बाद में ये मसाला भी कम होने लगेगा, बट फॉर नाउ दिस इज़ माई 5th meal और आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। आपसे सीधा 6th meal पे मिलता हूँ। यहाँ पे लास्ट मील पे आ चुके हैं। एज यूजुअल सेम मील है, बस इसमें आलमंड्स नहीं है। ये मेरे पास में 180 ग्राम चिकन ब्रेस्ट है, उसके साथ में कुछ कुछ वेजीज डाल रही है मैंने। ध्यान रखना कि किस चीज़ का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि 3 से 4 meal में आप कोशिश करो कि आपके वेजीज हो, आपको ना फाइबर मिलता रहेगा। दूसरी चीज, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, विटामिन डी, ये सब आपकी डाइट में होना चाहिए, जो पूरे सप्लीमेंट्स है। मैं बहुत ज्यादा सप्लीमेंट भी हर एक चीज में बहुत ज्यादा मेंशन करता हूं, जो भी चीज मैं लेता हूं तो थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन जाता। तो मुझे अभी ये क्विक और सिंपल रखना था, दैट इज फुल डे ऑफ ईटिंग, दैट मीन्स व्हाट आई एम ईटिंग फूड वाइज। तो ये पूरा फूड है जो कि मैं खा रहा हूँ, इसमें वे प्रोटीन को कवर किया, क्रिएटिन और ग्लूटामिन को कवर किया। आप ब्रेकफास्ट में मल्टीविटामिन लेना ना भूलें, फिश ऑयल लेना ना भूलें, लंच के साथ में आप ले सकते हैं, विटामिन डी लेना ना भूलें, कैल्शियम के जो भी आप और भी विटामिन सी वगैरह ये सब चीज़ें लेते हैं सप्लीमेंट्स ऑलरेडी, तो वो ध्यान रखें सप्लीमेंटेशन का। और आप अपनी बॉडी के हिसाब से जिस जिस सप्लीमेंट की ज़रूरत है, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत है, उनका ध्यान रखें। या फिर ऐसी भी चीज़ कर सकते हैं कि ये मैंने सारी मील्स बता दी, ये वाली मील तो आप समझ गए होगे, दिस इज 180 ग्राम चिकन, सम वेजीज और पूरी 1 to 6 तक की मील। सिंपल है, मेरी 3 meal तो बाहर ही होती हैं, 4th meal भी बाहर ही हो गई थी क्योंकि मैंने वो बाहर खा ली थी, घर पे नहीं आया था। तो इस चीज़ से ये हो जाता है कि हाँ, अगर आप ऑफिस गोएंगे, स्कूल गोएंगे, तो देखो भाई ये चीज, ये लाइफ में भी जी रहा हूँ मैं। कोच मेरी जो क्लास होती है वो 6 to 7 hours की हो जाती है, इट्स लाइक अ स्कूल या कॉलेज फॉर मी। उस बीच में भी मैं मैनेज कर ले रहा हूँ, जबकि प्रैप चल रही है इतनी ज़्यादा हार्ड, तो हो जा रहा है। एंड रिजल्ट भी आप देख पा रहे हो कि कोई ऐसा जैसा नहीं कि लापरवाही के साथ में चल रहा होगा, तो मैनेज हो जाता है। ये मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग है, और मैं सप्लीमेंट स्टैक पूरा का पूरा क्या क्या सप्लीमेंट यूज कर रहा हूँ XYZ वो सब चीजें भी बता सकता हूँ, एक दो वीडियो बाद बना सकते हैं। इधर आप मुझे कमेंट में बताना कि यू रियली नीड इट, या फिर आप इट्स फाइन, फुल डे ऑफ ईटिंग हेल्पफुल है तो फिर इट्स फाइन, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है जस्ट लेट मी नो। तो A to Z सप्लीमेंट स्टैक फ्रॉम वे प्रोटीन, क्रिएटिन, ग्लूटामिन, कौन कौन से विटामिन्स लेता हूँ, क्या चीज़ वर्कआउट से पहले, एल्कालाइन वगैरह, वो सब चीज़ें मैं उसमें मेंशन कर दूंगा। यहाँ पर खत्म होती है हमारी लास्ट मील। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। ये अगर वीडियो ने हेल्प करी हो तो लाइक जरूर करना, और यहाँ तक हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, केवल ऐसे वीडियो देख रहे हो, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं फिटनेस के अलावा भी बहुत सारी बातें करता हूँ जो आपको लाइफ में ग्रो करने में या लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने में हेल्प करती है, और यही मेरा काम है फिलहाल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, पीस।